इस्लाम की बुनियाद रखा गया ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की बुनियाद रखा गया मुल्क है। अगर कोई गुस्ताखी करेगा वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा। अगर आज इस वाकई का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शोहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है जो हकायक सामने आते हैं उनके मुताबिक आपको लदीम भी बताएंगे जो मौके पर उससे मौजूद थे उस टाइम पर मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ क्या उनकी नीयत थी उसके मुताबिक भी बात करेंगे। जी ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है लेकिन वो लिफाफ ठीक थे वैसे तो सारी मुझकी बनी हुई थी लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई उन्होंने कहा तक पाकिस्तान वास नहीं पहनेंगे तो ये नहीं हमें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इच्छा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नऊज़बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी वसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है, मैं खुद हम लोग दीदी के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये इल्मी से हुआ लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर वीडियो। हाँ जी जनाब, की हाल चाल ने? उम्मीद करें सब खैर करते ना दोस्तों, अल्लाह के फजल करम और शुक्र ने जनाब मैं भी खैर करते ना। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करने शुरू करने से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करना शुरू जी। व्यूअर शाम का टाइम हो गया, सूरज साढ़े लू लै गया, हूँ ही लथा चिटियाई जी तुम खटियाई जी वेख रहे हैं। तो मौसम की सूरत हाल है भी अच्छ साफ है, सानू डर सी कि मौसम मतलब कोई खराब होगा क्योंकि मक्कियां ला ली तो मुड़ मक्कियां असं मगरे पानी भी ला दिता है सरकार, तो ये पट्ठा भी ला दिता है कि हूँ जल्दी जल्दी वधन क्योंकि बरसेम के पट्ठे हैं तो मुड़ इन्हें जितना पानी लावे उतना वधन गए उतना मर्जी ज़्यादा खावन गईया। तो आने व्यूअर मेन टॉपिक की तरफ। व्यूअर लाहौर का एक होटल है उत्थे एक वकूआ पेश हो गया है, एक खातून जिन्हें अपने कपड़िया के उत्ते अरबी कुछ लिखा हुआ सी मतलब अरबी के उत्ते कुछ उनकी लिखाई हुई हुई सी ते उत्ते तो हलवा मैं तो पढ़िया तो हलवा लिखा हुआ सी, हलवा तो कुछ होर भी अगर लिखा हुआ सी ते ओ मतलब होटल खाना खान गई है तो उत्तु मुकामी लोगों ने देखा उन्हें 1 फिर कॉल कर दी उन्हें आखिया भी गुस्ताखी हो गई सरकार ते उन्दे ते एक जल्दी जल्दी उन्दे ते मुजम्मत हो गई है। उस वीडियो ते फेक फ्रूट मंडी वाला मेरा भरा है, फ्रूट मंडी उन्दे चैनल का नाम है, सरकार मंडी च कम करता है आड़ती आई है बस उनका अकल भी हल्ले होया है। अज आप बड़ा पंजाबी प्रमोट करने वाला समझदा जी, अपने आप बड़ा घना ढेर पंजाबी समझदा, बड़ा अपने आप वड्डा समझदा जनाब। उन्हें यह किया भी आपने अपने अकल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, उनके लफाज जड़े हैं उन्हें आख्या भी आप बहुत ज़्यादा जहलीयत वाग गए हैं, आप बहुत ज़्यादा जहल हो गए हैं, अपने दिमाग नहीं रह गया। उन्हें क्या भी आप थले कोई वर्खा पिया हुए ना उन अरबी कुछ लिखा हुआ आप चुमते रख देने उतना भी शायद हजूर पाक का ना लिखे अपने अंदर शुरू तो ये पाया गया कि हजूर पाक तू अगा बस खत्म है नबूत मतलब के आखिरी नबी है, इस तो बाद कोई नबी नहीं आना ठीक है। और कुराने पाक उन्हें तो उतारा गया एक प्यारी की जी प्यारी जी किताब है सरकार। और वेखो ना मैं कुराने पाक का ना कटिया तो मेरे मुँह तो मुस्कुराहट आ गई जनाब अच्छी के बहुत ही मैं तो कुरान पाक की मतलब ना तारीफ करते करते बंदा थक जाता है या हजूर पाक की तारीफ आप अपनी ये गंदी जबान कर भी नहीं सकती ठीक है ना। मतलब के हजूर पाक बहुत 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 ज़्यादा पाक है ना, आप उन्होंने अगर कुछ भी नहीं मतलब जिन्हें तो पैर रख दे बन्ना उस खाक तू भी आप जड़ा है ना गंदे हैं या उस खाक तू भी गंदे हैं ठीक है ना। अपने आखिरी पैगंबर हैं, आप दिलों हो कि अगर कोई उन्होंने बारे गलत कहे ना आप उन्हें जबान छेक लवी अगर मतलब कि अपने इो ही तो खास खूबी है ठीक है। ये उन्होंने नाल प्यार है ठीक है ना, मुड़ अरबी कुराने पाक उतरिया मुड़ अरबी दे विच अरबी आपनू बहुत ज़्यादा अजीज जबान है ठीक है ना। मुड़ अगर कोई वो उत्ते लिखवा के आएगा तो अपने यार अपने एक प्यार है या जज्बा है, ये मुड़ जज्बे नाल खेलन वाली गल है ना
ठीक है ना। आपा जो अरबी नू इतने प्यार देने, शफकत देने, मुहब्बत देने और जिंदे हवाले नाल देने, वो आपा सारिया नू पता है, ठीक है ना। उनकी गल ठीक है, उतू आ गए जी, मतलब जदों वकूआ पेश होया उतू आ गए जी लब्बई काले जनाब सुन्नी बिरा, उन्होंने माफ़ी मंगाई। उनके जेहन दे विच कोई गल आई कि यार जेड़ा ना मेरे को गलती हो गई, उन्हें गलती तस्लीम कर ली है ते उन्हें माफ़ी मांग ली। यकीन करो कि मैनू इंतहा दी खुशी हुई है उन्हें उन्होंने माफ़ कर दिता, क्योंकि इस्लाम जेड़ा ना माफ़ी का दरस दिता है। उनके को गलती हुई है, लेकिन एक गलती उनके को हुई है जिन्हें वेख्या उन्होंने को गलती मेरा भाई नहीं हुई, उन्होंने प्यार है या उन्होंने मुहब्बत। अगर आप इतना ना करिए मिर्जाई ये तो आप खा पी जा, ठीक है ना। अगर आप इतनी थोड़ी सख्ती ना ना करिए अपने मुल्क दे विच, ये पता ही ये कादियानी मिर्जाई ये मतलब पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इतनी सख्ती ना ना करिए अपन खा पी जा, इस्लाम तो वैसे खा पी जा, ठीक है ना। तो उन्हें भाई गलती की थी जनाब, ठीक है ना। अगर हूँ वेखो जरा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट वाला, इन्हें उन्होंने हौसले बुलंद हो गए। अगे जो भी आना बंद ही रखो, जितना अगर इन्हों पाकिस्तान रखना तो इन्हों बंद वहाँ डब्बी रखो, इन्हों डब्बी बाहर क्ढा ये कीड़िया वागू ये दीमक जिमें दीमक नहीं लग जाती लकड़ी में ये इवें खाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो जनाब मैनू इस गल की खुशी हुई है कि उन्होंने माफ़ कर दिता है और उन्हें माफ़ी मांग ली है। और इस गल का दुख होया कि फ्रूट मंडी वाला कह रही है कि यार तुसी जै लोग ने थलू जड़ी जबान है, मतलब यार पता ही कि मेरा एक शुरू तू एक ना एक जहन दे विच बड़ा जनून है कि जिते कोई वर्का पिया हो ना मेरा दिल करता इनू वेखा, इन उत्ते चैक करा कि यार कोई अरबी के अल्फाज तो नहीं है या कोई मतलब उत्ते अल्लाह मुहम्मद नाम या कोई हजरत अली बिलाल मतलब इस्लामी नाम कोई भी सहाबा का नाम कोई भी नाम थले पै मैं उन्होंने चुमते उन्होंने अदब उतार रखना कि यार ये कितने प्यारे आन या कितना प्यार आ इन्हों का हजूर पाक नाल या हजूर पाक नू इन्हां नाल कितना प्यार आ या अल्लाह का नाम होंदा थले मतलब दिली खुशी होंदी है। तो फ्रूट मंडी वाला कह रही है कि ये आप जहालत कर रहे हैं, वेख लो यार अकल की कमी, ये प्यार है यार साडा हज़ूर पाक नाल या उनके सहाबा नाल या अगा वलिया नाल या जिन्हों का नाँ थले लिखा हुआ, ये साडा प्यार है यार, ये शफकत है। अगर तू इन आख से गलत तो मैं इस गल की मुजम्मत करना, यह गलत नहीं है, ठीक है। तो बाकी उन्होंने उन्होंने माफ़ कर दिता है, लब्बई काले अपड़ गए जनाब। मैं उन्होंने बड़ा खुश हाँ कि उन्होंने उन्होंने माफ़ कर दिता है, सरकार इंतहाई खुशी हुई है सरकार इस गल की। तो बाकी और लड़की ने गलत किया, अगर इतनी मुजम्मत ना करिए कल कोई दूई लड़की आ जा सी, कल कोई लड़का पहन तो आ जा सी, कल कोई भी आ सकता है, ये साडा प्यार है जनाब। तो बाकी अपने भाई ने इजाजत, जिन्हें जो भी किया जिन्होंने इतलाह की उन्होंने बिल्कुल सही किया, थोड़ी सख्ती ना वरतीए तो ये कल चार जनिया होर पा के आ जाए ना। ये जड़ा ना इस्लाम की बुनियाद रख्या गया, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद रख्या गया मुल्क है। अगर कोई गुस्ताखी करेगा वह आते हैं नारा एक है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। अगर सानू अपने सर भी कटाने पैणना साढ़े वास्ते यकीन करो भी बड़ी फख्र वाली गल है, बड़ी ज़्यादा फख्र वाली गल है। मैं तो अगले तो सोचता पिया सो भी अल्लाह पाक सानू कोई योजी मौका देवे कि असी हजूर पाक दे खातिर या हजूर पाक दे हवाले दे नाल असी शहादत नोश करिए तो क्या ही बात होवे जी। तो बाकी लव ही हो गया अपने भाई दी इजाजत, अल्लाह निगहबान, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदे रहो, वस्ते रहो, सलामत रहो, और इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।